हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन के नए लाभार्थियों से सीधी बात की। बुजुर्गों से सीधी बात करते हुए सीएम ने कहा कि कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री से ऐसे सीधी बात हो जाएगी। लाभार्थियों ने कहा कि ऐसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हरियाणा सरकार 1 अप्रैल से बढ़ी हुई पेंशन 2,750 रुपए देने जा रही है। सीएम ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से लाभार्थियों को संबोधित किया। जी माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार अभिकांत जी। प्रणाम जी। जी सर मैं बड़े खुश होकर आपको फोन कर रहा हूँ बिना किसी जरा सा भी मुझे तकलीफ के। तीनों चीजें मेरे हो गई हैं। मेरी उम्र 62 साल है। मेरे घर पे गवर्नमेंट के लोग आए थे, सब कुछ देख के और जो फॉर्म वॉर्म जो भी होता है सब कुछ वो कायदे से फिल करके चले गए। मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा जैसे ऐसी गवर्नमेंट ही बहुत होती रहती है। बट एक बार मैं एकदम से सरप्राइज हो गया जब डीएम का मेरे पास फोन आया, डीएम ऑफिस से कि आप आइए और आपका ये पेंशन रहा है। मैं सिर्फ एक बार गया वहाँ पे, फिर भी मुझे यकीन नहीं था। अच्छा, तो मैंने सोचा कुछ कराना बताना पड़ेगा, कुछ करने जैसे होता है कुछ भी नहीं होता। एक दिन में शुभ सूचना आई मेरे पास और मेरी तीनों चीजें बन गई हैं, यानी राशन कार्ड और आयुष्मान। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिंपली बस मुझे प्रिंट आउट लेके आने करना पड़ा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अजीत जी बोलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार जी। जी जी जी। तो आपकी पेंशन बढ़ गई अजीत भाई? हाँ सर पेंशन भी बंद गई, 7 साल पूरी हो गई मेरी पेंशन आ रही है 5-6 महीने से। बहुत बढ़िया। और पत्नी की भी 7 साल हो गई, उससे कागज लगा दिए मैंने। ठीक है, उसकी भी हो जाएगी। जनाब धन्यवाद आपका, बड़ा शुक्रिया जी। धन्यवाद। प्रेम कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, तो आपकी पेंशन नई नई बनी है, हमने कहा चलो आपसे बात ही कर लें। पेंशन बन गई थी, 3 बार मिली मुझे। हाँ वैसे अप्रैल में मेरी पूरी हो चुकी थी 60। अच्छा, अब 3 बार पेंशन मिल चुकी है, कार्ड भी बन लिया, आयुष्मान कार्ड भी। बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो जो भी जिस महीने में 60 का होगा उसी अगले महीने से शुरू हो जाएगी। हाँ जी पेंशन हो गई, 3 बार मिल चुकी है मुझे। चलो ठीक, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।